फीटल विल मींग अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एनएसटी और इसके बाद में एक टेस्ट हो रहेगा सीएसटी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने के, आगे भी होते रहेंगे, अभी भी हो रहे हैं और प्रीवियस समय के अंदर भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो देखो एक बार समझना, अभी मत लिखना, एक बार केवल आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने वाले। सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन एनएसटी की, तो एनएसटी का पूरा नाम है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। द फुल फॉर्म ऑफ एनएसटी इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं एनएसटी से। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एनएसटी से कि फीटस की वेलबींग को असेस करने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। इन ट्राइमेस्टर परफॉर्म एनएसटी टू असेस द फीटल वेलबिंग, तो आपका आंसर जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या आंसर जाएगा? थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या परफॉर्म करते हो, एनएसटी परफॉर्म करते हो। आप देखो थर्ड ट्राइमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो 29 से 40 वीक, कितनी ड्यूरेशन है 29 से 40 वीक है। सो यहां से ये भी पूछ सकता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने वीक पे या फिर कितने वीक के बाद में एनएसटी परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी आफ्टर 30 वीक, कितने वीक के बाद में, 30 वीक के बाद में, 30 वीक के बाद में क्या करते हैं अपन एनएसटी परफॉर्म करते हैं। सो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि एनएसटी प्रेगनेंसी में कब परफॉर्म किया जाता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। कितने वीक पे किया जाता है, तो आफ्टर 30 वीक ऑफ जेस्टेशन। फिर देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अपन एनएसटी परफॉर्म करते हैं तो मदर को कौन सी पोजीशन देते हैं, यानी कि व्हिच पोजीशन प्रोवाइडेड बाय द नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आपको आंसर देना है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। जी हाँ बच्चों, कई बुक्स के अंदर आपको सुपाइन भी मिल जाएगा और आप जैसे ही इमेज्ड क्वेश्चन देखते हैं वहां पर भी आपको सुपाइन ही दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर सुपाइन पोजीशन के अंदर सुपाइन हाइपोटेंशन के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन सुपाइन के अंदर मदर को स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं लेफ्ट लेटरल साइड के अंदर। और यहां पर थ्योरेटिकल क्राइटेरिया है, अगर आपको पूछे कि एनएसटी में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, तो आपका आंसर जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ना कि सुपाइन पोजीशन आपका आंसर जाएगा। हाँ, अगर लेफ्ट लेटरल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको चूज करना है सुपाइन विद स्लाइटली टिल्ट इन लेफ्ट साइड। और देखो लेफ्ट लेटरल भी नहीं है और सुपाइन विद स्लाइटली टिल्ट इन लेफ्ट साइड ये भी नहीं है, तो फिर आपके पास में लास्ट ऑप्शन बच जाता है सुपाइन पोजीशन का। कौन सा है? सुपाइन पोजीशन का। लेकिन सुपाइन पोजीशन पहली प्रायोरिटी पे चूज नहीं करनी, थर्ड प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सी है? सुपाइन विद टिल्ट इन लेफ्ट साइड, सुपाइन विद टिल्ट इन लेफ्ट साइड सेकंड प्रायोरिटी। और यहां फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है थ्योरेटिकली किसे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन को। जब भी आप एनएसटी या सीएसटी का कोई भी इमेज देखते हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसके अंदर आपको मदर सुपाइन पोजीशन के अंदर दिखती है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, सुपाइन पोजीशन नहीं करना है अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो तो। अगर लेफ्ट लेटरल है तो पहले आप लेफ्ट लेटरल चूज करोगे, नहीं है फिर आपको सर्च करना है सुपाइन विद टिल्ट इन लेफ्ट साइड। अगर ये भी नहीं है तो फिर एज ए थर्ड प्रायोरिटी आप क्या चूज कर सकते हो? सुपाइन पोजीशन चूज कर सकते हो। तो देखो आपकी दो बातें यहां से क्लियर है कि एनएसटी कब परफॉर्म किया जाता है और एनएसटी परफॉर्म करते समय मदर को कौन सी पोजीशन देनी है। अब अपन यहां पे थर्ड डिस्कस कर रहे हैं कि एनएसटी परफॉर्म करने का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कि कितना समय लगता है एनएसटी परफॉर्म करने में। तो ध्यान रखना गाइस, एनएसटी का ड्यूरेशन है 20 मिनट। जी हाँ, ध्यान रखना ओनली और ओनली क्या है, 20 मिनट है एनएसटी परफॉर्म करने का। और ध्यान रखना, जब किसी वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में अपन फर्स्ट टाइम एनएसटी कर रहे हैं, तो एक बार नहीं किया जाता, एट लीस्ट यानी कि कम से कम है दो बार क्या
किया जाता है, एनएसटी किया जाता है, एट लीस्ट टू टाइम्स परफॉर्म नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्लियर। तीसरी बात यहाँ से क्लियर हुई कि ड्यूरेशन कितना चाहिए अपने को, 20 मिनट चाहिए। कितनी बार करते हैं, कम से कम है 2 बार एनएसटी किया जाता है, किसमें, ऑल ओवर प्रेगनेंसी में। लेकिन नीड बढ़ने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, 3 भी कर सकते हैं, 4 बार भी अपन कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन के बाद में, पोजीशन के बाद में क्या किया जाता है भाई, अपन ने मदर को लेफ्ट लेटरल या फिर सुपाइन विथ स्लाइटली टिल्ट इन लेफ्ट साइड पोजीशन प्रोवाइड कर दी। तो पोजीशन देने के बाद में मदर के एब्डोमन के ऊपर अपने को 2 ट्रांसड्यूसर अप्लाई करने हैं। कौन कौन से ट्रांसड्यूसर है, एक तो आपको अप्लाई करना है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, कौन सा अप्लाई करना है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, और दूसरा आपको अप्लाई करना है कार्डियक टोकोमीटर। क्या अप्लाई करना है, कार्डियक टोकोमीटर। ये 2 ट्रांसड्यूसर मदर के एब्डोमन के ऊपर अपने को अप्लाई करने हैं। किसके लिए अप्लाई करने हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या करेगा और कार्डियक टोकोमीटर क्या करेगा। और देखो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो कार्डियक टोकोमीटर है ये क्या काम करेगा, ये फीटस की हार्ट रेट को डिटेक्ट करेगा, और जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है ये क्या काम करेगा, ये मदर के यूट्रस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को डिटेक्ट करेगा। सो दोनों का क्या है, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या है, काम है। अल्ट्रासाउंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का पता लगाता है, और कार्डियक टोकोमीटर किसका पता लगाएगा, एफएचआर का डिटेक्ट, एफएचआर को डिटेक्ट करेगा। तो गाइस नाउ मदर इज रेडी फॉर परफॉर्मिंग द एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आपने टाइमिंग देख लिया है, 3rd ट्राइमेस्टर 30 वीक के बाद में, आपने मदर को पोजीशन दे दिया लेफ्ट लेटरल, आपको ड्यूरेशन को पता है 20 मिनट तक किया जाता है, और एटलीस्ट कम से कम 2 बार किया जाता है, और साथ साथ में आपने दोनों ट्रांसड्यूसर अप्लाई कर दिए मदर के एब्डोमन पे, अल्ट्रासाउंड भी और कार्डियक टोकोमीटर भी। अब देखो जैसे ही आपने दोनों ट्रांसड्यूसर अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद में जैसे ही फीटस मूव करता है, क्या करता है, जैसे ही फीटस मूव करता है यानी कि फीटस मूवमेंट करता है, तो फीटस के मूवमेंट के साथ में एफएचआर में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज होती है, फीटस की एफएचआर इंक्रीज होगी। जैसे कि अभी अपन बैठे हैं, तो बैठे टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर हो, चाहे से अपना टेम्परेचर हो, चाहे से अपनी पल्स रेट हो, सभी क्या रहेंगी, डिक्रीज रहेंगे। लेकिन जैसे ही अपन रेस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो अपनी हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। कहने का मतलब मूवमेंट के टाइम पर, वर्किंग टाइम पर हार्ट रेट हुआ, बीपी हुआ, टेम्परेचर हुआ, पल्स हुआ, सब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी प्रकार जब फीटस मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट के टाइम पर आपने को 2 फाइंडिंग देखने को मिलेगी। कितनी फाइंडिंग देखने को मिलेगी मूवमेंट के टाइम पर, 2 फाइंडिंग। कौन कौन सी, एक तो एफएचआर इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। कितनी फाइंडिंग देखने को मिलेगी अपने को मूवमेंट के टाइम पर, 2 फाइंडिंग देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो इंक्रीज एफएचआर, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है एफएचआर कितनी बढ़े, मोर देन 15 बीटी पर मिनट। कितनी बढ़े, मोर देन 15 बीटी पर मिनट। गाइस यू ऑलरेडी नाउ दैट नॉर्मल एफएचआर, जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है, ये होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। लेकिन जो एवरेज फीटल हार्ट रेट होती है, या फिर जिसे आप बेसलाइन फीटल हार्ट रेट के नाम से जानते हैं, ये बेसलाइन फीटल हार्ट रेट होती है 140 बीट पर मिनट। कितनी होती है, 140 बीट पर मिनट। तो फीटस की हार्ट रेट मूवमेंट के टाइम पर 15 बीट से बढ़ जाए, ज्यादा 15 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाए। जैसे कि मूवमेंट करने से पहले कार्डियक टोकोमीटर एफएचआर को कैच कर लेता है कि भाई जैसे कि मूवमेंट करने से पहले हार्ट रेट थी 140 बीट पर मिनट, और मूवमेंट करने के बाद में हार्ट रेट बढ़ गई मोर देन 15 बीट पर मिनट, यानी कि 140 से बढ़ करके हो गई 158 हो गई, या फिर 160 बीट पर मिनट हो गई, 162 बीट पर मिनट हो गई, 170 बीट पर
डिटर्मिनेंट हो गई, इसका मतलब है हार्ट रेट में क्या हुआ है, एक्सीलरेशन होता है जो कि होना भी चाहिए, नॉर्मल है मूवमेंट के टाइम पर हर किसी में, हार्ट रेट में, बीपी में, पल्स में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर भी अगर 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा इंक्रीज होती है एफएचआर में एक्सीलरेशन होता है, वो भी कितने समय के लिए, फॉर मोर देन 15 सेकेंड, कितने समय के लिए, फॉर मोर देन 15 सेकेंड, यानी कि मूवमेंट के टाइम पर एफएचआर बढ़े 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा, और कितने समय के लिए बढ़े, 15 सेकेंड से भी ज़्यादा समय के लिए बढ़े। इसका मतलब आपको समझना है कि साहब ये नेगेटिव एनएसटी है। कैसा एनएसटी है, नेगेटिव एनएसटी है। नेगेटिव का मतलब आप इसे कह सकते हो कि फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर फीटस क्या है, वेल है, फीटस क्या है, हेल्दी है। आप इस नेगेटिव को रिएक्टिव क्या कह सकते हो, रिएक्टिव एनएसटी भी कह सकते हो, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर नेगेटिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट करता है, किसे इंडिकेट करता है, फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, कि यूट्रस के अंदर फीटस क्या है, वेल है, यानी कि फीटस क्या है, हेल्दी है। क्लियर गाइज? तो देखो किस प्रकार से, कैसी फाइंडिंग ये इंडिकेट करती है एनएसटी में कि फीटस हेल्दी है या फीटस हेल्दी नहीं है। तो ध्यान रखना, जैसे फीटस मूव करेगा, फीटस की एफएचआर बढ़ेगी, और एफएचआर 15 बीट पर मिनट से ज़्यादा बढ़े, 15 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए बढ़ती रहे, इसका मतलब आपका एनएसटी नेगेटिव है, इसका मतलब आपका एनएसटी रिएक्टिव है, इसका मतलब आई फीटस यूट्रस के अंदर क्या है, हेल्दी है। तो एक फाइंडिंग तो आपके पास में ये मिलेगी, और यहां से दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी जो ये इंडिकेट करती है कि भाई फीटस को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फीटस क्या नहीं है, प्योरली हेल्दी नहीं है, इसके लिए अपने को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, यानी कि सीएसटी करने की आवश्यकता है। तो देखो दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी, जैसे फीटस ने मूवमेंट किया, जैसे फीटल मूवमेंट हुआ, तो जैसे फीटल मूवमेंट हुआ तो एफएचआर इंक्रीज तो होती है, क्या एफएचआर इंक्रीज तो हुई, बड़ी तो सही, लेकिन लेस देन 15 बीट पर मिनट, कितने बड़ी, लेस देन 15 बीट पर मिनट। कहने का मतलब है कि भाई बेसलाइन एफएचआर 40 बीट पर मिनट थी, जैसे फीटस ने मूवमेंट किया तो एफएचआर बढ़ी लेकिन 15 से कम बढ़ी, यानी कि 140 से बढ़ करके 150 हो गई या 152 हो गई या 148 हो गई। कहने का मतलब एफएचआर में एक्सीलरेशन तो हो रहा है, इंक्रीजमेंट तो हो रहा है, लेकिन 15 बीट पर मिनट से कम हो रहा है। या फिर और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन भी क्या है, लेस देन 15 सेकेंड, ड्यूरेशन भी क्या है, लेस देन 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड से कम समय के लिए 15 बीट से कम अगर एफएचआर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ये जो एनएसटी है ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, ये जो एनएसटी है ये कैसा है, पॉजिटिव एनएसटी है, कैसा है, पॉजिटिव एनएसटी। और गाइज फॉर काइंड योर नॉलेज, ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिव एनएसटी या फिर पॉजिटिव एनएसटी ये तो नहीं कहता कि फीटस को यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी है या फीटस का हेड कंप्रेस हुआ है या अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है फीटस को, जिसको कंफर्म करने के लिए अपना नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी कि अपना नेक्स्ट टेस्ट होता है, वो कौन सा होता है, सीएसटी, वो कौन सा होता है, सीएसटी, जो कि सीएसटी बताएगा कि फीटस का हेड कंप्रेस हुआ है या फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हुई है या फीटस का यहां पे हेड कंप्रेस हुआ है या यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी हुई है, ये सब बताएगा कौन सीएसटी। लेकिन एनएसटी इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखना, सीएसटी और एनएसटी में सबसे पहले अपन एनएसटी करेंगे, और एनएसटी करने के बाद में, और जब एनएसटी की फाइंडिंग कैसी हो, पॉजिटिव हो, एनएसटी पॉजिटिव आए, तो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा सीएसटी। क्या होगा अपना नेक्स्ट स्टेप है,
CST. So guys, you well understand that we how can perform the NST. आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप कैसे परफॉर्म करोगे NST या कैसे परफॉर्म किया जाता है NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट. क्लियर गाइज? तो देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो परफॉर्मिंग ड्यूरेशन से है और दूसरी इसकी फाइंडिंग से. किससे है? इसकी फाइंडिंग से. भाई फाइंडिंग से क्वेश्चन कैसे है? फाइंडिंग से ऐसे क्वेश्चन आएगा कैसे, ए ड्यूरिंग परफॉर्मिंग NST, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग नॉन स्ट्रेस टेस्ट द नट्स फाइंड आउट दैट एसिलरेशन इन FHR लेस देन 15 बीट पर मिनट फॉर लेस देन 15 सेकेंड व्हाट विल बी इंटरप्रेटेड बाई नर्सिंग ऑफिसर. कहने का मतलब ड्यूरिंग परफॉर्मिंग NST परफॉर्म करते टाइम पर एक नर्स फाइंड आउट करती है कि साहब FHR में एसिलरेशन हुआ है लेकिन 15 बीट पर मिनट से कम हुआ है, बड़ी है लेकिन 15 सेकेंड से कम बड़ी है. तो नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी, नर्स क्या समझेगी, क्या NST नेगेटिव है या NST रिएक्टिव है या NST पॉजिटिव है या फिर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है. तो आपको बताना है कि साहब यहां NST पॉजिटिव है या फिर कह सकते हो NST नॉन रिएक्टिव है. कब? जब FHR 15 बीट पर मिनट से कम बढ़े और 15 सेकंड से कम समय के लिए बढ़े. ये क्वेश्चंस यहां से टू मच इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय ए ऑब्स्टेट्रिशियन व्हेन नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज पॉजिटिव. क्या पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या ली जाएगी एक ऑब्स्टेट्रिशियन के द्वारा जब NST पॉजिटिव हो. तो अभी आपने देखा सिर्फ NST पॉजिटिव या फिर नॉन रिएक्टिव हो तो नेक्स्ट स्टेप यहां से क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी CST और CST परफॉर्म करके पता लगाएंगे कि फीटस में प्रॉब्लम क्या है, वेल नहीं होने का कारण क्या है, हेड कंप्रेस इसका कारण है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन इसका कारण है या फिर यहां पर यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी इसका कारण है. सो गाइस ये सभी थिंग्स थी किसके बारे में, NST के बारे में. किसके बारे में है? NST के बारे में. सो अभी आपको NST के बारे में राइट डाउन करना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. सबसे पहले आपको दूसरा नंबर का इन्वेस्टिगेशन लगा करके और सेपरेटली लिखना है NST. फुल फॉर्म आप पहले ही लिख चुके हो, पूरा नाम है इसका नॉन स्ट्रेस टेस्ट. बच्चों नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पहली बात क्या बात है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म इन थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है 29 से 40 वीक के बीच में. प्रेगनेंसी के 29 से 40 वीक के बीच में क्या परफॉर्म करते हैं NST. अगर आपके ऑप्शन में ट्राइमेस्टर नहीं हो करके वीक आए तो आपको चूज करना है. क्या चूज करना है? आफ्टर 30 वीक. क्या चूज करना है? After a 30 week. जैसे कि ऑप्शन ऐसे आ जाए कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म एट वीक जेस्टेशनल एज. ऑप्शन ए के अंदर आ जाए 15 वीक, बी के अंदर आ जाए 20 वीक, सी के अंदर आ जाए 35 वीक और डी के अंदर आ जाए 29 वीक. तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, क्या चूज करोगे बच्चों? ऑप्शन है सी. क्या क्राइटेरिया था इसको परफॉर्म करने का? थर्ड ट्राइमेस्टर में. थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कब है? 30 वीक के बाद में. 15 भी 30 से कम है, 20 भी 30 से कम है, 29 भी 30 से कम है. सो योर एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है सी 35 वीक. क्योंकि 35 वीक कब का क्राइटेरिया है? आफ्टर 30 वीक ऑफ जेस्टेशन. सो आप कह सकते हो कि थर्ड ट्राइमेस्टर
सेमेस्टर में 30 वीक के बाद में परफॉर्म किया जाएगा। इसके साथ साथ में अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें कि कितना समय लगता है एनएसटी परफॉर्म करने में, तो ध्यान रखना कितना समय लगता है, 20 मिनट। हाँ, 20 मिनट का समय लगता है। और ध्यान रखना ये जो एनएसटी है ये कम से कम यानी कि एटलीस्ट 2 टाइम परफॉर्म किया जाता है, 2 बार परफॉर्म किया जाता है। अगर अपन पोजीशन की बात करें कि कौन सी पोजीशन देंगे, पोजीशन किसको देनी है, मदर को देनी है, फीटस को नहीं देनी है, किसको देनी है, फीट मदर को देनी है पोजीशन है। विच पोजीशन प्रोवाइडेड बाय ए नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग परफॉर्म दी एनएसटी, तो आपका आंसर जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। योर करेक्ट आंसर इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब देखो अपन ने ट्राइमेस्टर देख लिया, वीक देख लिया, ड्यूरेशन भी पता है, पोजीशन भी अपन ने मदर को दे दी। कहने का मतलब है मिशन अपने अंजाम तक पहुंचने के पास में है, तो अपने को मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए यानी कि एनएसटी परफॉर्म करने के लिए अब क्या करना है, अब अप्लाई करना है। क्या करना है बे, अप्लाई। क्या अप्लाई करना है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। क्या अप्लाई करना है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एंड, और इसके अलावा एंड क्या अप्लाई करना है, एंड कार्डियक टोकोमीटर, एंड कार्डियक टोकोमीटर। कार्डियक टोकोमीटर कहाँ अप्लाई करना है, ऑन मदर्स एब्डोमन, ऑन मदर्स एब्डोमन। पोजीशन देने के बाद में मदर के एब्डोमन के ऊपर अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर और कार्डियक टोकोमीटर, नॉट टोकोमीटर, क्या टोकोमीटर, क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कर दिया भाई अप्लाई, कार्डियक टोकोमीटर अल्ट्रासाउंड आपने अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद में वेट करना है, क्या करना है, अप्लाई करने के बाद में वेट करना है। किसका वेट करना है, फीटस के मूवमेंट का वेट करना है, क्योंकि जब फीटस मूवमेंट करेगा तब भी बेसलाइन FHR से फीटल हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अप्लाई करने के बाद में अपने को वेट करना है, और जैसे ही फीटस क्या करे, मूव करे, यानी कि व्हाइल मूविंग ऑफ ए फीटस, व्हाइल मूवमेंट ऑफ ए फीटस, कि जब फीटस मूवमेंट करेगा तब क्या होगा। तो बच्चों जैसे ही फीटस मूवमेंट करेगा तो अपने को 2 फाइंडिंग देखने को मिलती हैं, और आपके पास दोनों में से कोई ना कोई एक फाइंडिंग आएगी। कौन सी फाइंडिंग आ सकती है, पहली तो जैसे फीटस मूव करेगा तो फीटस के मूव करते ही क्या होगा, FHR में एसिलरेशन होगा। क्या होगा, FHR में एसिलरेशन होगा। एसिलरेशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, एसिलरेशन इन FHR फीटल हार्ट रेट। ध्यान रखना अगर ये एसिलरेशन कितना हो, मोर देन 15 बीट पर मिनट, ये एसिलरेशन कितना हो, मोर देन 15 बीट पर मिनट। कहने का मतलब है बेसलाइन FHR, बेसलाइन FHR कितनी होती है, 140 बीट पर मिनट। तो 140 बीट पर मिनट से ज्यादा कितनी, 15 बीट पर मिनट ज्यादा, 140 से बढ़ करके 160 हो जाए, 158 हो जाए, 165 हो जाए। इसका मतलब FHR में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि एसिलरेशन हुआ है। लेकिन ध्यान रखना ये एसिलरेशन कितने समय के लिए हो, फॉर मोर देन 15 सेकेंड, फॉर मोर देन 15 सेकेंड। ध्यान रखना FHR भी 15-20 पर मिनट से ज्यादा बढ़े और एसिलरेशन भी 15 सेकेंड से ज्यादा समय के लिए हो। इसका मतलब आपको समझना है योर एनएसटी इज नेगेटिव एनएसटी। इसका मतलब क्या समझना है आपको, नेगेटिव एनएसटी।
नेगेटिव एनएसटी को आप कह सकते हो रिएक्टिव एनएसटी, क्या कह सकते हो रिएक्टिव एनएसटी, या फिर आप तीसरे शब्दों में कह सकते हो नॉर्मल एनएसटी, क्या कह सकते हो नॉर्मल नॉन स्ट्रेस टेस्ट। कब कहोगे, जब एफएचआर 15 बीट से ज्यादा बढ़े, 15 सेकंड से ज्यादा समय के लिए बढ़े, देन यू कैन से एनएसटी इज नेगेटिव, एनएसटी इज रिएक्टिव, एनएसटी इज नॉर्मल, इट मींस फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस। इसका मतलब फीटस यूट्रस के अंदर क्या है, हेल्दी है, वेल है, इट मींस फीटस इज, सो राइट डाउन, इट मींस फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर फीटस वेल है, फीटस हेल्दी है, फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आपको फाइंडिंग का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि भाई जब एनएसटी रिएक्टिव हो या एनएसटी नेगेटिव हो तो फीटस केम छे, तो आपको कहना है फीटस मजे में छे, केम छे फीटस मजे में छे, बिकॉज नेगेटिव एनएसटी इंडिकेट टू नॉर्मल एनएसटी, नॉर्मल एनएसटी मींस फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, हेल्दी इनसाइड द यूट्रस। क्लियर भाई? सो आपकी एक फाइंडिंग तो ये हो सकती है, और इसकी दूसरी फाइंडिंग क्या देखने को मिल सकती है कि एसिलरेशन तो हुआ है, क्या हुआ है, एसिलरेशन तो हुआ है, किसमें, इन फीटल हार्ट रेट, एसिलरेशन तो हुआ है फीटल हार्ट रेट में, बड़ी तो है 140 से ज्यादा तो हुई है, लेकिन कितना हुआ है, लेस देन 15 बीट पर मिनट, कितना हुआ है 15 बीट पर मिनट से कम, जैसे कि 140 से बढ़कर 145 हो गई, 148 हो गई, 150 हो गई, 152 हो गई, 154 हो गई, लेकिन 15 बीट पर मिनट से ज्यादा 155 से ज्यादा नहीं हो। और अगर ड्यूरेशन की बात करें कि एसिलरेशन कितने समय तक होता है, फीटस की हार्ट रेट कितने समय तक बढ़ी हुई हो, कितने समय तक, लेस देन 15 सेकंड, अगर 15 बीट पर मिनट से कम एसिलरेशन है एफएचआर में, 15 सेकंड से कम के लिए एसिलरेशन है, इसका मतलब है योर एनएसटी इज नॉन रिएक्टिव, इट मींस नॉन रिएक्टिव एनएसटी, इसका मतलब एनएसटी कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब एनएसटी कैसा है, पॉजिटिव है, इट मींस पॉजिटिव एनएसटी। और ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था कि पॉजिटिव एनएसटी का मतलब है दाल में कुछ काला है, लेकिन ये नहीं पता दाल में कौन सा काला है, कहने का मतलब है फीटस को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एनएसटी में ये नहीं पता लगता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जब एनएसटी पॉजिटिव हो, तो एनएसटी पॉजिटिव हो तो ऐसी कंडीशन में एक ऑब्स्टेट्रिशियन नेक्स्ट स्टेप लेता है, यानी कि नेक्स्ट क्या करता है, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेज व्हेन एनएसटी इज पॉजिटिव। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप विल बी सीएसटी, क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, सी एस टी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। जब एन एस टी पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे इनसाइड द यूट्रस फीटस वेल है या फिर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है इसका भी इसमें पता लगेगा। सो गाइज सेकेंड असेसमेंट के बाद में अपन थर्ड असेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं, फीटल वेलबींग का पता लगाने के लिए कौन सा असेसमेंट कर रहे हैं, थर्ड, जब एनएसटी पॉजिटिव आ गया तो अपना थर्ड असेसमेंट होगा, क्या असेसमेंट होगा, थर्ड सीएसटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होगा। तो देखो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट तीन नंबर लगा लो आप, तीसरा टेस्ट है जब एनएसटी पॉजिटिव हो तो सीएसटी, सी एस टी का पुराना नाम आपने पहले ही लिख रखा है, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, सी एस टी का पुराना नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो देखो भाई कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कब कर रहे हैं, जब सी एस टी पॉजिटिव हो रहा है, कब कर रहे हैं, जब सी एस टी पॉजिटिव हो रहा है तब क्या कर रहे हैं अपन, सॉरी एन एस टी, जब सॉरी जब एन एस टी जब पॉजिटिव आ रहा है तब क्या
क्या कर रहे हैं, सीएसटी। तो देखो क्या क्या थिंग्स है इसके बारे में। सबसे पहली बात कि साहब सीएसटी कब करेंगे, परफॉर्मिंग ड्यूरेशन ऑफ सीएसटी, तो ध्यान रखना कब करेंगे, इन थर्ड ट्राइमेस्टर। कब करेंगे, इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कब, आफ्टर 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी के 30 वीक के बाद में। अब देखो कैसे भाई, जब एनएसटी थर्ड ट्राइमेस्टर में 30 वीक के बाद में करेंगे, और सीएसटी तो कब करते हैं, जब एनएसटी पॉजिटिव हो तब करते हैं सीएसटी। इसका मतलब एनएसटी 30 वीक के बाद में किया जा रहा है, तो बच्चों सीएसटी भी क्या किया जाएगा, 30 वीक के बाद में ही किया जाएगा, और तब किया जाएगा जब एनएसटी क्या है, पॉजिटिव आई। और सभी थिंग सेम रहेंगे, ड्यूरेशन सेम रहेगा, पोजीशन सेम रहेगा, लगभग यहाँ पे परफॉर्म करने का ड्यूरेशन स्लाइटली वेरिएट होता है। कैसे कि भाई अपने एनएसटी में तो कितना था, 20 सेकंड था, लेकिन सीएसटी में 20 से 30 मिनट, यानी कि 20 टू 30 मिनट का टाइमिंग लगता है सीएसटी में, और एनएसटी में कितने मिनट का टाइम लगता है, केवल 20 मिनट का टाइम लगता है। तो बच्चों लिखो साथ साथ में, अपन जब सीएसटी करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, 30 वीक के बाद में करते हैं। इसके साथ साथ में अपन बात करें ड्यूरेशन की, कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना है 20 to 30 मिनट। कितना समय लगता है, 20 टू 30 मिनट का समय लगता है किसके लिए, सीएसटी परफॉर्म करने के लिए। और ड्यूरेशन के बाद में अगर आप बात करो पोजीशन, तो पोजीशन वही जो आप एनएसटी में दे रहे थे, कौन सी दे रहे थे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और जैसे ही आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दी, तो पोजीशन देने के बाद में करना है क्या, करना है वही पहले वाला काम। कौन सा काम है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर करना है, कार्डियक टोकोमीटर अप्लाई अपने को करना है, अप्लाई अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एंड कार्डियक टोकोमीटर, एंड कार्डियक टोकोमीटर। कहाँ अप्लाई करना है, ऑन मदर्स एब्डोमन, ऑन मदर्स एब्डोमन, मदर के एब्डोमन के ऊपर अल्ट्रासाउंड या फिर कार्डियक टोकोमीटर अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। पर्पस दोनों का वही रहेगा, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अप्लाई किया जाता है यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन का पता लगाने के लिए, और कार्डियक ट्रांसड्यूसर अप्लाई किया जाता है, कार्डियक टोकोमीटर अप्लाई किया जाता है किसके लिए, FHR को डिटेक्ट करने के लिए, FHR का पता लगाने के लिए। क्लियर इतनी बात। लेकिन देखो एनएसटी और सीएसटी में क्या डिफरेंस है, एनएसटी और सीएसटी यहां तक सेम है, लेकिन एनएसटी में यहां पर अप्लाई करने के बाद में वेट करना पड़ता है किसका, फीटल मूवमेंट का, लेकिन यहां फीटल मूवमेंट का वेट नहीं करना है। जैसे ही आप दोनों ट्रांसड्यूसर अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद में क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, इंक्रीज, किसे इंक्रीज करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, किसे इंक्रीज करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर अप्लाई अल्ट्रासाउंड एंड कार्डियक टोकोमीटर, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, किसके द्वारा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कैसे बढ़ाओगे, आपके पास कितनी टेक्निक है, कितने तरीके हैं जिससे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ध्यान रखना अपने पास दो टेक्निक है जिससे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसमें से एक टेक्निक तो आप जानते हो, क्या जानते हो, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, क्या जानते हो, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। मार्केट के अंदर ये ऑक्सीटोसिन पीटोसिन के नाम से भी
मिलता है। तो देखो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को एक तो आप बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, ऑक्सीटोसिन यानी कि पीटोसिन का इंजेक्शन लगा करके IM रूट से, और दूसरा तरीका है नेचुरल तरीका जिसमें कोई मेडिकेशन अपने को नहीं देनी है, कोई कॉन्ट्रैक्टाइल एजेंट अपने को एडमिनिस्टर नहीं करना है मदर की बॉडी में। ये नेचुरल मेथड है जिसे क्या कहते हैं, NST। क्या कहते हैं इसे, NST। लेकिन यहाँ NST का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट नहीं है, यहाँ NST का मतलब क्या है, निप्पल स्टिमुलेटिंग थेरेपी। क्या है NST का मतलब है, निप्पल स्टिमुलेटिंग थेरेपी का, निप्पल स्टिमुलेटिंग थेरेपी है। किसका मतलब है, NST का पूरा नाम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने अगर इंजेक्शन पीटोसिन ऑक्सीटोसिन लगा दिया तब तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई ऑक्सीटोसिन है ये मायोमेट्रियम के मसल फाइबर के साथ में बाइंड होकर के और मायोमेट्रियम में डीपोलराइजेशन करता है जिससे कि मायोमेट्रियम में यानी कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये NST यानी कि ये निप्पल स्टिमुलेटिंग थेरेपी कैसे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी यूट्रस में। तो गाइस आप जानते हो और बहुत सी बार क्वेश्चन भी आया है, क्या आया है, मिल्क इजाकुलेटिंग हार्मोन। क्या क्या क्वेश्चन आया है, मिल्क इजाकुलेटिंग हार्मोन। भाई मिल्क इजाकुलेटिंग हार्मोन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या जाता है, ऑक्सीटोसिन। क्या आंसर आता है, ऑक्सीटोसिन। यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जिसका आंसर जाता है प्रोलैक्टिन, यानी कि मिल्क बनाने का काम तो करता है प्रोलैक्टिन, लेकिन बनने के बाद में लैक्टिफेरस डक्ट से आगे इजैकुलेट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। कैसे करता है, एल्वियोलाई की वो चारों तरफ जो मायो एपिथेलियम होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे एल्वियोलाई से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क निकल के लैक्टिफेरस डक्ट में आता है, और लैक्टिफेरस डक्ट से कहां तक आता है, निप्पल तक, जहां से बेबी बच्चा नेगेटिव प्रेशर के द्वारा क्या कर लेगा, सक कर लेगा। सो आपने ये जाना कि मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटेशन है, और यही हार्मोन किसके लिए रिस्पांसिबल है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पांसिबल है। ध्यान रखना जैसे ही एक बेबी निप्पल को सक करना शुरू करता है, क्या करता है, जैसे ही बेबी निप्पल को सक करना शुरू करता है तो ध्यान रखना थोरेसिक नर्व T4, T5 ये क्या होती है, स्टिमुलेट होती है, और ये सेंसेशन पहुंचाती है किसको, हाइपोथैलेमस को, कहती है कि साहब बेबी ने सक करना शुरू कर दिया, बेबी को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो हाइपोथैलेमस कमांड देता है किसको, हाइपोथैलेमस एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, और ये ऑक्सीटोसिन एल्वियोलाई के चारों तरफ प्रेजेंट मायो एपिथेलियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिससे एल्वियोलाई के अंदर जो मिल्क है वो लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, और बेबी क्या कर पाएगा, इसे सक कर पाएगा। तो देखो यही हार्मोन है मिल्क को भी इजैकुलेट करता है, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है तो ये ब्रेस्ट में ही नहीं पहुंचेगा, ये हार्मोन यूट्रस तक भी आएगा। सो यूट्रस के अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही रीजन है कि प्यूपेरियम में लैक्टेशन पीरियड के अंदर बैटरी इन्वोल्यूशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड के अंदर बेबी सक करता है, थोरेसिक नर्व स्टिमुलेट होती है, हाइपोथैलेमस को मैसेज करती है कि बेबी सक करने लग गया है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, इससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, इससे मिल्क भी रिजेक्ट होता है, और साथ साथ में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, इससे ये जो पेल्विक ऑर्गन्स है, विजाइना है, विजाइना बेसिकली नहीं होती है, ज्यादातर यूट्रस है, सर्विक्स है, इनमें क्या होता है, रिवर्ट बैक होना स्टार्ट हो जाता है, ये वापस से अपने फिजियोलॉजिकल और एनाटोमिकल स्टेट के अंदर क्या होते हैं, ये सब रिवर्ट बैक होते हैं। तो देखो गाइस यही सेम टेक्निक, सेम फिनोमेना, सेम मैकेनिज्म कहां पर होगी, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए निप्पल स्टिमुलेटिंग थेरेपी के अंदर।
क्या करना है इसके अंदर, मदर है उस मदर के निपल्स को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। क्या करना है, मदर के निपल्स को स्टिमुलेट करना है। जैसे ही निपल को स्टिमुलेट करेंगे तो थोरेसिक नर्व स्टिमुलेट होगी, थोरेसिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो सेंसेशन जाएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को सेंसेशन जाएगा तो ये एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी क्या, ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगा। तो आपने समझा कि कैसे एनएसटी निपल स्टिमुलेटिंग थेरेपी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, किसे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो देखो अपन ने बच्चों दोनों अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अप्लाई करने के बाद में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए एनएसटी के द्वारा और इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। इसके लिए ध्यान रखना सीएसटी के अंदर अपन एनएसटी यानी कि निपल्स को स्टिमुलेट कितनी बार करते हैं, 3 बार। कितनी बार है, वी स्टिमुलेट टू द निपल्स 3 टाइम, और ध्यान रखना फॉर 40 सेकंड इन एवरी टाइम, यानी कि कुल 3 बार निपल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और 1 बार के अंदर कितना स्टिमुलेट किया जाता है, कितने समय तक है, 40 सेकंड के लिए, 40 सेकंड, 40 सेकंड इन वन टाइम, इन वन टाइम। कुल 3 बार निपल्स को स्टिमुलेट करते हैं सीएसटी में, और एक समय में कितने सेकंड के लिए, 40 सेकंड तक स्टिमुलेट करते रहते हैं। इससे थोरेसिक नर्व स्टिमुलेट होती रहती है, हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता रहता है, पिट्यूटरी रिलीज कर देती है ऑक्सीटोसिन, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है भाई, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है चलो तो है ना, पढ़ते रहना, बराबर पढ़ते रहना। कोई चीज़ में अगर डाउट होता है तो आपको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है, उसके बाद में जब भी क्लास लगेगी आपका डाउट अच्छे से रिजोल्व कर दिया जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा बच्चों क्लास के अंदर। वैसे खैर डाउट के लिए मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मैं आपके 0 लेवल से अप करूंगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 100 तक अपन जाएंगे। इसलिए मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आपके माइंड में डाउट डेवलप होने की गुंजाइश न के बराबर रहे, फिर भी अगर कोई होता है तो अपन डिस्कस करेंगे जब भी अपने क्लासेज लगेंगे। क्लियर है? तो यूट्रस के अंदर अपन ने कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया, स्टिमुलेट किया। अब मेरी बात सुनो, जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने वाली यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस होगी, और जब यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी तो प्लासेंटा में ब्लड कम जाएगा। अब जब प्लासेंटा में ब्लड कम जाएगा तो प्लासेंटा से फीटस के अंदर भी क्या जाएगा, ब्लड कम जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होती है, यूटेराइन आर्टरी कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने की वजह से प्लासेंटा में ब्लड कम जाएगा, प्लासेंटा में ब्लड कम जाएगा तो फीटस को ही ब्लड कम जाएगा। कहने का मतलब फीटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फीटल सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन 400 ml क्या हो जाएगा, फीटल सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो रेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में FHR क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, FHR है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज को अपन डिसिलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे इंक्रीज को अपन एसिलरेशन कह रहे थे, वैसे अपन डिक्रीज को अपन क्या कहेंगे, डिसिलरेशन कहेंगे। तो देखो जैसे ही अपन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करते हैं तो अपने को 2 फाइंडिंग मिलेगी, जिनमें से एक तो इंडिकेट करेगी फीटस हेल्दी है और एक इंडिकेट करेगी फीटस हेल्दी नहीं है। अब आपको साथ साथ लिखते भी रहना है, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, मैं स्पीड को मेंटेन करके चल रहा हूँ। जहाँ पर पॉसिबल होगा, जहाँ पे लगेगा पहले समझाना जरूरी है, वहाँ पहले समझाऊंगा और बाद में लिखाऊंगा। जहाँ पर पॉसिबल लगेगा कि यहाँ पर समझ और लिख दोनों साथ सकते हैं तब दोनों काम साथ करना। क्लियर? सो नाउ राइट डाउन इन योर नोटबुक क्या, कि जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे इंजेक्शन पिटोसिन या फिर एनएसटी के द्वारा, तो अपने को 2 फाइंडिंग देखने को मिलेगी। क्या क्या फाइंडिंग है, एक फाइंडिंग को तो अपन कहते हैं लेट डिसिलरेशन। क्या कहते हैं, लेट डिसिलरेशन इन FHR,
लेट डिसेलरेशन इन एफएचआर, और दूसरी फाइंडिंग को अपन कहते हैं नो लेट, क्या नो लेट डिसेलरेशन, नो लेट डिसेलरेशन इन एफएचआर, नो लेट डिसेलरेशन इन एफएचआर। कौन कौन सी फाइंडिंग मिल सकती है अपने को, या तो लेट डिसेलरेशन होगा एफएचआर में, या फिर ये लेट डिसेलरेशन नहीं होगा, नो लेट डिसेलरेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये लेट डिसेलरेशन क्या होता है और ये नॉट लेट डिसेलरेशन है क्या होता है, तो समझो देखे, जैसे कि भाई अपन ने पहले ही कहा, क्या कहा कि बेस लाइन एफएचआर फिटल हार्ट रेट कितनी होती है, कितनी होती है 140 बीट पर मिनट, कितनी होती है बेस लाइन फिटल हार्ट रेट कितनी होगी 140 बीट पर मिनट। तो डिसेलरेशन का मतलब है कि यहां पर फिट, लेट डिसेलरेशन का मतलब है कि फिटल हार्ट रेट कम तो होती है, जब अपन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं तो इनकी वजह से फिटल हार्ट रेट कम तो होती है, 140 से कम होकर 135 हो जाए, 130 हो जाए, 122 हो जाए, 120 हो जाए, 110 हो जाए, 105 हो जाए, 101 हो जाए, पूरी 100 हो जाए, लेकिन लेस देन 100 क्या, अगर एफएचआर क्या हो जाए है लेस देन 100, यानी कि कम तो हो रही है लेकिन 100 से कम नहीं हो रही, क्या हो रही है ध्यान से सुनना, क्या हो रही है, दो प्रकार के, ये तो लेट डिसेलरेशन है और ये क्या है नो लेट डिसेलरेशन। ध्यान रखना, लेट डिसेलरेशन का मतलब है एफएचआर 140 से 130 120 110 होती हुई और कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है जब 100 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे अपन लेट डिसेलरेशन। सो गाइस आई यू अंडरस्टैंड, आई से लेट डिसेल acceleration means FHR less than 100 beat per minute, क्या एफएचआर 100 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे अपन लेट डिसेलरेशन कहेंगे। सो लेट डिसेलरेशन का मतलब है एफएचआर फिटल हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट, 120 पर मिनट से एफएचआर क्या हो कम हो, तो अपन इसे क्या कहेंगे लेट डिसेलरेशन कहेंगे। और गाइस ध्यान रखना, अगर एफएचआर 100 बीट से कम हो गई, इसका मतलब आपका सीएसटी कैसा है पॉजिटिव है, कैसा है सीएसटी पॉजिटिव है। और फिर काइंड यू नॉलेज ध्यान रखना, सीएसटी पॉजिटिव है इसका मतलब फीटस इज नॉट वेल इनसाइड द यूट्रस, इट मींस फीटस इज नॉट वेल इनसाइड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर फीटस वेल नहीं है, यूट्रस में फीटस हेल्दी नहीं है, कब नहीं है जब सीएसटी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कब होगा जब फीटस की हार्ट रेट यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से 100 बीट से भी क्या हो जाए कम हो जाए, तब अपना ये सीएसटी पॉजिटिव होगा और ये कहेगा कि साहब फीटस यूट्रस में हेल्दी नहीं है। अब दूसरी फाइंडिंग देखो क्या है, नो लेट डिसेलरेशन, क्या है नो लेट डिसेलरेशन इन एफएचआर। वर्ड को समझना, लेट डिसेलरेशन का मतलब हार्ट बीट कम तो होती है लेकिन कितने से कम होती है 100 से कम, और देखो नो लेट यानी कि लेट डिसेलरेशन नहीं होता है, क्या नो लेट डिसेलरेशन, नो का मतलब नहीं, लेट डिसेलरेशन है नहीं होता है, लेट डिसेलरेशन का मतलब है 100 से कम और नो का मतलब नहीं, हार्ट रेट कम तो होती है लेकिन 100 से कम है नहीं होती है, तो अपन क्या कहेंगे नो लेट डिसेलरेशन, देन वी कैन से नो लेट डिसेलरेशन। So, no late deceleration में क्या होती है FHR fetal heart rate कम तो होती है लेकिन 100 से कम नहीं होती है, FHR not less than 100 beat per minute, important है बच्चों ध्यान रखना, interpretation से क्वेश्चन आएगा, रट्टा नहीं मारना है, हर एक लाइन को नहीं हर एक वर्ड को आपको समझना है, क्या समझना है कि late डिसेलरेशन का मतलब 100 से कम और नो लेट का मतलब कम तो हुई है, 140 से 130 120
115, 114, 112, 110, 140 से कम तो हुई है, लेकिन 100 से कम है नहीं हो तो क्या कहेंगे? नो लेट डिसेलरेशन। और ध्यान रखना, जब FHR 100 से कम नहीं हो तो आप क्या कहोगे? नेगेटिव CST। इसका मतलब CST कैसा है? नेगेटिव CST है। या फिर आप क्या कहोगे? रिएक्टिव CST। क्या कहोगे? रिएक्टिव CST। या फिर आप कह सकते हो रीएश्योरिंग CST। क्या कह सकते हो? रीएश्योरिंग CST। ध्यान रखना, तीनों में से कोई भी नाम यूज में ले सकता है क्वेश्चन के अंदर। जब FHR कम हो लेकिन 100 से कम नहीं हो तो क्या कहेंगे? नेगेटिव CST है या रिएक्टिव CST है या फिर क्या है? रीएश्योरिंग CST है। ये तीनों फाइंडिंग नेगेटिव, रिएक्टिव और रीएश्योरिंग किसे इंडिकेट करती है? ये कहती है, चिक चिक के कहती है, फिटस इज द वेल इनसाइड द यूट्रस। व्हाट इज सेइंग द नेगेटिव फाइंडिंग ऑफ द नोलर डिसेलरेशन? ये कहती है कि फीटस यूट्रस में क्या है? हेल्दी है। क्या है फीटस? हेल्दी है। सो नेगेटिव CST का मतलब है फीटस इज वेल, फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस, कि यूट्रस के अंदर फीटस वेल है, यानी कि फीटस क्या है? हेल्दी है। तो बच्चों आपने जाना कि NST कैसे करते हैं, CST कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना समय लगता है, कौन सी पोजीशन देते हैं। NST में अपन अप्लाई करते हैं दो ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासाउंड का और कार्डियोटोकोमीटर का। NST में अप्लाई करने के बाद में फीटल मूवमेंट का वेट करते हैं, बल्कि CST में अप्लाई करने के बाद में क्या करते हैं? थिंक अबाउट, क्या करते हैं? सोचो एक बार, प्रेशर डालो माइंड के ऊपर, क्या करते हैं? अप्लाई करने के बाद में CST में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? और कॉन्ट्रैक्शन को किसके द्वारा बढ़ाओगे? या तो इंजेक्शन लगाओगे पिटोसिन का, या फिर किसके द्वारा बढ़ाओगे? NST, निपल स्टिमुलेटिंग थेरेपी के द्वारा। ध्यान रखना, निपल स्टिमुलेटिंग थेरेपी कितनी बार देते हैं? 3 बार। एक बार में कितने समय के लिए स्टिमुलेट करते हैं? 40 सेकंड के लिए क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। और जैसे ही निपल स्टिमुलेटिंग थेरेपी दी, ये इंजेक्शन दिया पिटोसिन का, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो यूट्रस की आर्टरी कंप्रेस होगी, यूट्रस में ब्लड फ्लो कम होगा, प्लासेंटा में ब्लड कम जाएगा। इससे कि प्लासेंटा में कम जा रहा है, फीटस में भी कम जाएगा। फीटल सर्कुलेशन क्या होगा? कम होगा। फीटस में ब्लड का फ्लो रेट क्या होगा? कम होगा। जिससे FHR क्या होगी? कम होगी। अगर FHR 100 से कम हो गई तो कहोगे लेट डिसेलरेशन इन FHR। लेकिन FHR कम तो हुई है, लेकिन 100 से कम नहीं हुई। 140, 130, 20, 10, 5, 104 हो गई, लेकिन 100 से कम नहीं हुई। इसका मतलब कहोगे नेगेटिव CST, रिएक्टिव CST, रिएश्योरिंग CST, फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस। क्लियर गाइस? अब ध्यान रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग किससे? CST से, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट से, जहां से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन है पुट अप होने की। क्या है? जहां से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पुट अप होने के। अपने माइंड में इंसर्ट कर लेना इस बात को, रटना नहीं है। एक मिनट माइंड में लिखने के, कॉपी में लिखने के बजाय, पेज में लिखने के बजाय ब्रेन में लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं? CST को अपन पूरा कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे वैसे अपन ने क्या कहा? CST में डिसेलरेशन होता है। क्या कहा? CST में डिसेलरेशन का मतलब FHR कम होती है। लेकिन ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ डिसेलरेशन इज थ्री टाइप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिसेलरेशन। क्या? CST पढ़ रहे हैं, और CST में क्या होता है बच्चों? डिसेलरेशन होता है। क्या होता है? डिसेलरेशन होता है। डिसेलरेशन का मतलब यहां पर है FHR, फीटल हार्ट रेट नॉट लेस देन 100 बीट पर मिनट। क्या कहा? डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब है फीटल हार्ट रेट नॉट लेस देन 100 बीट, बोलो, पर मिनट। नॉट लेस देन 100 बीट पर मिनट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
बड़े ध्यान से सुनना, क्या सुनना कि ये जो डीसेलरेशन है भाई, ये डीसेलरेशन है तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? ये जो डीसेलरेशन है कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है, साथ में राइट डाउन भी करना। तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक को तो अपन कहते हैं अर्ली डीसेलरेशन। क्या कहते हैं? एक को तो अपन है अर्ली डीसेलरेशन, जल्दी हार्ट रेट क्या हो गई, कम हो गई। एक उसके उल्टा होता है, कौन सा? लेट डीसेलरेशन। क्या होता है? लेट डीसेलरेशन। और एक होता है वेरिएबल डीसेलरेशन। एक क्या होता है? वेरिएबल डीसेलरेशन। बच्चों कंफ्यूज होने, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा नाम है वैसा काम है। मैंने पहले ही बता दिया डीसेलरेशन का मतलब FHR का कम होना, लेकिन 100 से कम नहीं। क्या? 100 से कम नहीं। और डिसेलरेशन तीन प्रकार का, जैसा नाम वैसा काम। अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी डिसेलरेट हो रही है, लेट यानी कि कम तो हो रही है लेकिन देर से हो रही है। और तीसरा वेरिएबल, कम हो रही है, वेरिएबल रूप से क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि FHR में अर्ली डिसेलरेशन क्यों होता है, लेट डिसेलरेशन क्यों होता है, वेरिएबल डिसेलरेशन क्यों होता है। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है रेशनल, अर्ली क्यों होता है, लेट क्यों होता है, वेरिएबल, यही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक से तीनों के नाम और तीनों का रेशनल क्यों होता है, और अगर होता है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, ये अपने एक छोटी सी ट्रिक से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ऐसे जैसे कि भाई तीन प्रकार का क्या है, डिसेलरेशन है, तीनों का नाम एक सीक्वेंस से डिस्कस, एक सीक्वेंस से रखना है। कैसे रखना है, क्या रखना है? वेरी इग्ली लेडी। क्या? वेरी इग्ली लेडी। यू नो गाइज, वैसे ही फीमेल्स पुरुषों से पता नहीं कितनी गुना तेज है, क्या नहीं? अब देखो मैं तो इमेजिनेशन कर सकता हूँ, आप तो जानते हो कितनी गुना तेज है, कौन है? लेडी, फीमेल से। कहने यहाँ इगली, उगली नहीं है, उगली का मतलब तो